नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के एक दिन बाद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं शिंदे को शिवसैनिक नहीं मानता और बीजेपी ने शिवसैनिक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना को तोड़ने का प्लान था। संजय राउत ने शुक्रवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नई सरकार अच्छा काम करे, यही शुभकामना है। उन्होंने ईडी समन को लेकर कहा कि वे आज पेश होंगे। राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ये हम जान रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि आपातकाल में भी ऐसा हुआ था जैसा आज ईडी कर रही है। शिवसेना का संगठन कभी कमजोर नहीं होगा। उन्होंने मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी से पहले ही डील था। महंगाई और बेरोजगारी राज्य के लिए प्रश्न है। टूट फूट की घटना पुरानी बात हो गई है। बीजेपी भी हाईकमान में आदेश पर चलाती है। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा और लिखा, मैं आज दोपहर 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। मुझे जारी किए गए समन का मैं सम्मान करता हूं। मैं जांच एजेंसी का सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। मैं सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जमा ना हो, चिंता मत कीजिए। गौरतलब है कि गुरुवार को शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी आलाकमान के इस फैसले में लोगों को जरूर हैरानी है, क्योंकि लेकिन सियासी जानकारों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूरदर्शी सोच रखकर इस तरह का फैसला किया है। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।